इसको रिलीज की हुई बता रहे थे, अब पता चला कि वो लैंड तो रिलीज नहीं है। पेड़ मंगवाए थे केरल से जी, बड़ी मुश्किल से मंगवाए, ना कोई देख रेख होती है इनकी। हम रेवाड़ी शहर के रजांगला पार्क में खड़े हुए, करीब 48 एकड़ में इस पार्क को विकसित किया जाना था, लेकिन महज कुछ एकड़ में पार्क विकसित करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। तमाम स्थान ऐसे हैं जहां पर आज अवैध कब्जा है, जिसके चलते लगातार जो पार्क संघर्ष समिति है, पार्क जो विकास समिति है, उसकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन जो यहाँ पर जो कब्जे अवैध रूप से जो कब्जे किए उनसे छुड़वाया जा सके। तमाम पिछले कुछ महीनों की बात करें, एक साल की बात करें, तमाम प्रयास चल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके यहाँ से डीसी अशोक कुमार गर्ग लगातार यहाँ पर विजिट करते हैं, कहीं ना कहीं दावे भी करते हैं कि यहाँ से जो अवैध जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी तमाम घंटों यहाँ पर बैठकर जाते हैं और तमाम दावे भी करते हैं, आखिर लगातार उनकी ओर से जो काम किया जा रहा है, लेकिन जो धरातल है, धरातल पर जो उनका काम, जो उनके दावे किए जाते हैं उसको दिखाई नहीं देता। तमाम यहाँ पे जिम की बात करें, तमाम इस तरह के जो अवैध जो गेट है यहाँ पर खोल दिए गए, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह की बात करें, सुबह जो लोग घूमने आते हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो दिन में यहाँ, क्योंकि रेवाड़ी शहर का सबसे बड़ा पार्क रजांगला पार्क माना जाता है, ऐसे में यहाँ पे आसपास के लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है उसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ जो रजांगला पार्क विकास समिति है उनके भी पदाधिकारी मौजूद है, उनसे ही जानते हैं आखिर इसका क्या कारण लगता है, जिस तरह से जो अवैध यहाँ पर कब्जे हैं आखिर वो क्यों हटने का नाम नहीं ले रहे, उसके पीछे कारण क्या लगता है। सर क्या नाम है आपका? परमात्मा शरण यादव। क्या कारण लगता है जिस तरह से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, अवैध जो गेट खोल दिए गए, तमाम जो तरह की परेशानियां, क्या लगता है? हम एक साल से लगातार सीएम विंडो में, ग्रीवेंस कमेटी में, चार बार तो डीसी साहब आ गए, डीसी साहब बार बार कहते जाते हैं ये अवैध गेट है ये बंद करो, जितने भी ये तार फेंसिंग है इसको पूरी करो, परंतु अभी तक HSVP के अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया है। चार बार डीसी साहब के कहने, अभी पिछले बार 10 दिन का टाइम मांगा था इनने, 30 तारीख को कही थी, ये कहने लगे पुलिस नहीं मिली, अब भी कल का टाइम दे रखा है। क्या है कि इनने तार फेंसिंग करी है आधी अधूरी, उसमें गेट छोड़ रखे हैं, पूरी लाइन छोड़ रखी है, जो ये एक जिम तक खोल दिया गया, जिम का गेट अंदर खोल दिया, मंत्री तक यहाँ पर, मंत्री यहाँ उद्घाटन कर गया उसका, बिल्कुल अवैध है, ये मान लिया अवैध है परंतु बंद नहीं कर रहे। कारण क्या लगता है आखिर? इतनी बड़ी कह रखी है, जितने भी अधिकारी हैं इनके खिलाफ जाँच की जाए, जितने भी कब्जाधारी इनके खिलाफ FIR दर्ज करी। क्या कोई मिली भगत के चलते इस तरह से नहीं हो रहा है? बिल्कुल मिली भगत है साहब, 2003 में Section 4 आया था, 20 साल हो गए, 20 साल से अवैध कब्जे, बिना मिली भगत के कुछ हो ही नहीं सकता। 2003 से आप 23 आ गई, 20 साल में जो जो अधिकारी उन सारे के कार्यकाल में नोट किया जाए उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं। ये तो हम इतने लग रहे हैं उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। सारी जो समारोह स्थल उनकी पार्किंग जो है, उनके 1 इंच भी पार्क गाड़ियाँ पार्क में खड़ी करते हैं। देखिए जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं उनकी ओर से, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए, जो धरातल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसी का परिणाम है कि आज भी इन लोगों को लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं और ऑफिसों के दफ्तरों के लगातार चक्कर काटने के बावजूद कोई समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, पूरी तौर पर कुछ जरूर होता, तार फेंसिंग कर दी जाती है, तमाम इस तरह की, वो भी आधी अधूरी कर छोड़ दी जाती है, लेकिन आखिर जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो लैंड है, आखिर खुद की लैंड को भी कहीं ना कहीं वो बचाने में फेल दिखाई देते हैं। आरोप मिली भगत के भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते ऐसा होता है। हमारे साथ एकलव्य हैं जो कि लगातार इस जो संघर्ष है, जो रजांगला पार्क को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर लगातार संघर्ष में वो भी भागीदार है और लगातार आवाज़ भी उठा, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या लगता है, आखिर कारण क्या लगता है कि जो जिस तरह से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। सर क्या कारण लगता है? देखिए जी, मुख्य रूप से निष्क्रियता की प्रकाष्ठा है। HSVP के अधिकारी, जहाँ तक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा श्री जोशी जी के पास भी मैं चंडीगढ़ मिलके आया, पंचकुला में उनके कार्यालय में, और श्री विनय सिंह जी जब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे तब भी मैंने एप्लीकेशन दी, और उसके बावजूद भी वही ढाक के 3 पात। मसला क्या है आखिर? क्या अतिक्रमण है, कितनी लैंड है और कितनी अतिक्रमण है? प्रारंभिक दृष्टि से 2003 में, जैसा कि साथियों ने बताया, 48.8 है पार्क के लिए ईयर मार्क की हुई लैंड थी, और फिर लगातार जो है जो लैंड जो है इसको रिलीज की हुई बता रहे थे, अब पता चला कि वो लैंड तो रिलीज नहीं है, अनअक्वायर्ड लैंड है।
अब ये मसला फिर जो है बहुत ही गंभीर है। चारों ओर पार्क में अवैध रूप से गेट खोल दिए गए, ये कहां तक जाएगा? एक तो पहले हुड्डा था, अब HSVP बन गया, वो चादर तान के सो रहा है। कारण बहुत सारे हैं, उनकी अपनी जो पैसे की कमाई है, अवैध कमाई, उसका तो प्रमुख लक्षण दिखाई दे रहा है। जिम तक खोल दिए गए कहीं ना कहीं पार्क, और जिम की तो बात ही छोड़िए, जिम तो खुल ही नहीं सकता। पार्क में चारों तरफ उनके अपने घरों के जो दरवाजे हैं, वो भी 50 लाख की एक अवैध जो है सड़क बनी हुई है, वो सड़क के बाद में उनके दरवाजे खुले हुए, तो पहले तो सड़क ही अवैध है। तत्कालीन जो हमारे ग्रीवेंसेस मिनिस्टर थे, उन्होंने इंक्वायरी प्रोसीड करवाई थी, और उस बात को अब 3 महीना हो गया, जबकि 1 महीने में इंक्वायरी रिपोर्ट आदरणीय ADC साहब को देनी थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं लेट लतीफी के शिकार हो गए। किस तरह की समस्याएं यहाँ आपको देखने को मिलती हैं? ये पेड़ मंगवाए थे केरल से जी, बड़ी मुश्किल से मंगवाए, ना कोई देखरेख होती है इनकी, कोई भी प्रशासन कोई देखरेख नहीं करता, नहीं दे रहे। कोई ना वो पानी की, पानी सूखा पड़ा हो, अब हम घर से कहाँ कितना पानी लेके। आप लोग लगातार आवाज़ भी उठाते हो, समस्याएं भी बताता, बावजूद ये समाधान क्यों नहीं हो पाता? पता नहीं, साहब भी आए थे, DC साहब भी आए थे, वो भी आश्वासन देके जाते हैं काम को। आखिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी आखिर इतनी मतलब बड़ी मोटी चर्बी क्यों हो गई कि इस तरह की जो समस्याएं लगातार हो रही हैं? ये तो प्रशासन ही समझ पाती है कि हम क्या समझे। हम तो अपनी जो हमारी आवाज़ है वही उठाते हैं, भाई ये हमारे ये होना चाहिए। पशु आके इनको खा जाते हैं, गाय आती है, चकरी लगाने के लिए बोला था वो भी नहीं लगाई, उसके लिए पत्ती लगा के वहाँ पे दिखा दिया होगा शायद कि भाई उन्होंने, हमने कर दिया वहाँ, बाकी ऐसी कोई। अब जो पत्ती लगाई है उसको खोल तो हम लेंगे, बंद तो कोई नहीं करेगा ना। मैं तो अब निकल गया। हाँ, कहीं ना कहीं है कि अभी कुप्रबंधन ही है कि उसको राउंड कुछ लगा देते तो सारा खुद हो जाता। भाई चक्री लगती उस पर, अब इसको कौन देखेगा? ये मैं तो मेरा काम हो गया, अब बाकी और समय के तोड़ ले जाएंगे उसको, और वो तोड़ ले जाएंगे। पहले भी एक बार पाइप लगाया था, वो तोड़ के ले गए, पता नहीं कौन ले गए। चक्री ही लगनी चाहिए थी। ठीक है सर।